अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाह ज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे ओप्पो ने रिसेंटली लॉन्च किया था ओप्पो A57 और अब रूमर्स यहाँ पे लीक्स आ रही हैं कि ओप्पो अपना नेक्स्ट मॉडल लॉन्च करेगा बहुत ही जल्द, ओप्पो A58। अब ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्द हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ओप्पो A58 का वेट कर रहे हैं, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसका डिज़ाइन कैसा है और कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और जो प्राइस है इसकी क्या होने वाली है, तो अगर आपको इन सब का वेट है तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको ओप्पो A58 के बारे में सभी कुछ पता चल जाएगा। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली है इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो टिपिकल नॉर्मल डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएगा, जो कि 6.56 इंच का एक HD+ डिस्प्ले है, यानी कि 720x1612 पिक्सल्स। तो 2022 खत्म होने वाला है और अभी तक यहाँ पे ओप्पो जो स्मार्टफोन है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर 720p डिस्प्ले दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। और यहाँ पे वही आपको जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल हमें जो इसका डिस्प्ले है बस एक नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, कोई स्पेशल फीचर इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो हमें एक न्यू प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 है। अब ये जो प्रोसेसर है 7nm की टेक्नोलॉजी के बेस्ड है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और यहाँ पे जो GPU है माली G57 MC2 का देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगी, आप नॉर्मल गेम्स वगैरह भी रन कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग के अंदर डेली यूज़ के अंदर कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर लिया है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वेरिएंट्स हैं वो 3 है, 6/128 GB के साथ 8/128 GB, और जो थर्ड वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ है। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 की देखने को मिल जाएगी। तो रीड राइट स्पीड है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 वेरियंट्स हैं, तो एक्सपेक्टेड है तीनों लॉन्च होंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस एक ही वेरियंट के होते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला है। बाकी जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी, यानी कि अपडेटेड इसका वेरिएंट आएगा, तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे बात कर लिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि LCD डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो ColorOS 12.1 है वो मिलेगा। तो लेटेस्ट एंड्रॉयड की फीचर्स वगैरह सभी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बैटरी की बात करें तो बैटरी वाली साइड थोड़ी इसकी कम देखने को मिल जाएगी, कैपेसिटी वाइज इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 4000 के करीब जो इसकी बैटरी है वो देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू लीक्स। तो 4000 की बैटरी 2022 के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, एटलीस्ट इनको 5000 की जो बैटरी है वो रखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो 33W की फास्ट चार्जिंग है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि ठीक है, आजकल सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो बैटरी कैपेसिटी वाइज हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी कम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी वाले साइड इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती, खास तौर पर इसकी कैपेसिटी, बाकी ओवरऑल ठीक है, 33W की फास्ट चार्जिंग आपको इनफ फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की ओवरऑल, तो डिज़ाइन यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। ओपर सभी स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बॉक्सी लुक प्रोवाइड की है यहाँ पे, लेकिन फ्रंट साइड पे यहाँ फिर ब्लंडर इन्होंने कर दिया है, फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, कोई पंच होल इसमें नहीं देखने को मिलता। बैक की बात करें तो बैक साइड यहाँ पे हमें जो कैमरा सेटअप है वो 2 सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएगा, एक सर्कल के अंदर हमें मेन सेंसर और उसके नीचे जो सेकंड सर्कल है उसके अंदर हमें एक सेकंड कैमरा और LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैमराज की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेन सेंसर 50MP का देखने को मिल जाएगा, सेकंड 2MP का। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे सिर्फ 8 MP का जो सेल्फी शूटर है वो मिलेगा। तो कैमराज भी यहाँ पे एवरेज ही देखने को मिल जाते हैं, कोई एज सच काफ़ी अच्छे कैमराज नहीं देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पे जो लुक है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई हैं, बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट जरूर पूछिएगा। अब यहाँ पे बात कर ली है इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस होने वाली है वो कोई राउंड अबाउट 40,000 से 50,000 के करीब देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे स्मार्टफोन यहाँ पे महंगे लॉन्च हो रहे हैं, तो इसकी प्राइस भी है 40,000 से ऊपर ही होने वाली है। बाकी आप क्या सजेस्ट करते हैं इसकी जो प्राइस है, राइट प्राइस टैग क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें थोड़ा टाइम लगा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ओप्पो A57 लॉन्च हुआ है, तो 2 से 3 महीने का गैप इजीली हमें देखने को मिलेगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट ईयर के पहले महीने में कहीं पे इस स्मार्टफोन का लॉन्च देखने को मिल सकता है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ओपिनियंस हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।